स्पेशली हैदराबाद से आया, 1600 रुपए का खर्च आया है पूरा काम करवाने के लिए। उन लोगों को पता है कि भाई मैं ऋषिकेश था, बट भाई इस गाड़ी के शूट के लिए, क्योंकि भाई इंडिया की ये फर्स्ट रेनो किगर है जिसमें भाई 360 लग रहा है, इस गाड़ी के शूट के लिए राकेश जी स्पेशली मेरे को आना पड़ा। जो कि आप चले गए थे वादियों में, चले गए थे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के वादियों में चले गए थे, तो इसलिए एक दिन पहले ही गाड़ी आ गया था, तो ये आपका ही वेट हो रहा था कब सौरभ भाई आएगा और इस गाड़ी का वीडियो बनेगा, क्योंकि ये 1600 किलोमीटर दूर से आया है, 20,000 का तो कम से कम इनका पेट्रोल ही लग गया है, तो ये आपका इंतजार हो रहा था और इंतजार अब हो गया खत्म, क्योंकि वीडियो बनना हो गया स्टार्ट और पूरा वीडियो बना करके ऐसा अपलोड करेंगे पूरा तहलका मचा देंगे बिल्कुल। ये जो है हनुमान जी की तरह उठा लिया हमारे राकेश भाई ने, देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड के अंदर जो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया एनहेंस, पूरा इंपोर्टेड रहने वाला भाई, रेसिंग वाला X2 का रहने वाला है, रेसिंग वाला है और बिल्कुल आप बीच बीच में देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमिंग सेट है, तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ठीक है। अब ये भैया का मेन था रेड टचअप, क्योंकि भैया ने आगे रेड टचअप करवाया वो, और ग्रिल में भी रेड टचअप है। अब इसमें जो हम हेडलाइट लगाएंगे वो लगाएंगे टॉप मॉडल वाला, तो दो काम के लिए गाड़ी रुका हुआ था, दो काम कम्प्लीट होने वाला है, कम्प्लीट होगा पूरा चेकआउट किया जाएगा और फिर धमाका क्या हर एक चीज बता दिया जाएगा। जो रहने वाला कार कस्टम अल्टीमेट, पहले मेरा दुकान था कार कस्टम के नाम से, लेकिन अब है कार कस्टम अल्टीमेट। अल्टीमेट का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अल्टीमेट पे अल्टीमेट लेवल का काम होता है, और जरूर आइए ए से लेकर के जेड तक काम करवाइए, बेस से टॉप करवाइए, बिल्कुल बढ़िया डिस्काउंट में आपका काम होगा, और जरूर ध्यान रखें पदम सिंह रोड पे, पहले था अब्दुल अजीज रोड पे लेकिन अब है पदम सिंह रोड पे। तो गाइस आज हम लोग अगेन आए हैं कार कस्टम अल्टीमेट किंग ऑफ ऑल कार, जहां आपको हमेशा मैग्नाइट और रेनो की किगर का काफिला मिलेगा, और हमारे काइगर के टाइगर राकेश जी। राकेश जी कैसे हो? बिल्कुल फिट और परफेक्ट, बिल्कुल मजेदार बिल्कुल परफेक्ट। तो राकेश जी ये किगर है हमारी, बिल्कुल बेस मॉडल है अपना, बिल्कुल आरएक्सी मॉडल रहने वाला है ये, बिल्कुल आरएक्सी मॉडल है जिसको हमने कह दिया बिल्कुल टॉप लेवल बना, बिल्कुल टॉप, यहाँ तक कि इंडिया की फर्स्ट काइगर है ये गाड़ी है जिसमें 360 कैमरा लगा है, ठीक है 360 लगा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर के अंदर यहाँ पे कैमरा लगाया गया है, और साथ में इसमें ORVM से लेकर के पूरा इंटीरियर से लेकर हर एक चीज तक इसके अंदर काम हुआ है, कुछ काम हुई प्रोसेसर में इसका, और हेडलाइट और अलॉय का अभी थोड़ा सा बातचीत चल रहा है भैया से, क्योंकि अलॉय देखना भैया कौन सा डिजाइन में लगाना है, और हेडलाइट में जो रेड एडिशन आता है रेड एडिशन उसमें, और सिल्वर में बात चल रहा है कौन सा लगाया जाए, तो दो तीन काम अभी इसका प्रोसेस है जो चल रहा है ठीक है। अभी पूरा कम्प्लीटली काम इसमें हो चुका है, थोड़ा सा काम रह गया है, और गाड़ी को ऐसा बना दिया गया है इसके सामने BMW भी फेल है। अरे वाह भाई मजेदार ही कर दिया गया इसको। तो गाइस आप लोग देख लो, अभी ये बिल्कुल बेस मॉडल थी, अलॉय लगने के बाद इसका लेवल ही हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, तो फ्रंट से ये पूरा अपना ब्लैक आता है, तो ग्रिल भी चेंज विद रेड पूरा, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पीस जो है रेड कर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे हेडलाइट का भी बात भैया चल रहा है, अब देखते हैं भैया कौन सा हेडलाइट पसंद करता है, उस हिसाब से इसमें हेडलाइट भी लगाया जाएगा, उसके बाद अलॉय वगैरह का भी काम होगा। चलो तो भाई जमीन आप लोग देख लो, गाड़ी भाई कितनी ही ज्यादा हमारी प्यारी लग रही है, और इसका भाई लेवल ही अलग। और गाड़ी आई कहाँ से है राकेश भैया? ये आया भैया हैदराबाद से, स्पेशली हैदराबाद से आया, 1600 चलो तो गाइस मैं ना पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, ये देख लो यहाँ पे, तो पीछे से अभी ये तरह के जो बम्पर खुला पड़ा है पीछे का, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप मॉडल में स्किड प्लेट आता है सिल्वर का, तो यहाँ पे स्किड प्लेट लगाया जा रहा है, है? तो यहाँ पे खुला हुआ है, है? उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक लगाया गया, रेनॉल्ट का ओरिजिनल है, यहाँ पे टाइगर का बैजिंग आ जाएगा और यहाँ पे रेनॉल्ट का आ जाएगा बैजिंग, ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 60 पे इंटरेस्ट लेकर के टोटली काम सेटअप हो रहा है, यहाँ पे 360 का कैमरा भी है, ये आप देख सकते हैं पूरा कम्प्लीटली सेटअप हो रहा है। अंदर अगर हम जाते हैं इंटीरियर में, सबसे अलग काम हुआ अल्टीमेटली। चलो तो गाइस मैं ना अंदर लेके चलता हूँ एक बार, तो ये देखो यार पूरा का पूरा अपना बटर स्कॉच है राकेश भैया, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम केमल कहते हैं, बटर स्कॉच नहीं कहते, ठीक है केमल बटर स्कॉच होता है, इससे लाइट होता है, लेकिन केमल कलर जो है पूरा आप देख सकते हैं
पूरा डैशबोर्ड से लेकर के पिलर से लेकर के स्टीयरिंग से लेकर के और ये 360 के साथ इसमें जो एप्पल कारप्ले रखा गया है 464 में रखा गया ओरिजिनल, ठीक है, 464 के अंदर जो कभी हैंग लाइक वगैरह कुछ नहीं मारेगा और बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आमरेस से लेकर के नीचे फ्लोरिंग डाला गया है और मैट वगैरह सब कुछ डाला गया है, अभी थोड़ा कम रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे K3 का लाइट भी देख सकते हैं, देखो पता ही नहीं लग रहा भाई कुछ लगा हुआ है। और रोशनी भाई दिन हो चाहे रात हो इसकी बराबर रहती है, बराबर रहता है। जैसे ये थोड़ा सा और कम रह गया बाकी कम्प्लीटली होता तो पूरा चीज एक बार फिनिशिंग के साथ दिखाया जाए। तो गाइस अभी ना इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। और भाई जो भाई मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं ना उन लोगों को पता है कि भाई मैं ऋषिकेश था, बट भाई इस गाड़ी के शूट के लिए, क्योंकि भाई इंडिया की ये फर्स्ट रेनो किगर है जिसमें भाई 360 लग रहा है, इस गाड़ी के शूट के लिए राकेश जी स्पेशली मेरे को आना पड़ा। जो स्पेशल ये गाड़ी को रोका गया ये क्योंकि आप चले गए थे वादियों में, चले गए थे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के वादियों में चले गए थे, तो इसलिए एक दिन पहले ही गाड़ी आ गया था, तो ये आपका ही वेट हो रहा था कब सौरभ भाई आएगा और इस गाड़ी का वीडियो बनेगा, क्योंकि ये 1600 किलोमीटर दूर से आया है, 20,000 का तो कम से कम इनका पेट्रोल ही लग गया है, तो ये आपका इंतजार हो रहा था और इंतजार अब हो गया खत्म, क्योंकि वीडियो बनना हो गया स्टार्ट और पूरा वीडियो बना करके ऐसा अपलोड करेंगे पूरा तहलका मचा देंगे बिल्कुल। चलो तो गाइस अपना कंप्लीट हो जान देते हैं और उसके बाद हमारी गाड़ी का तहलका मचाती है वो मैं आप लोग को दिखाता हूं, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने। तो गाइस फाइनली हमारी हैदराबाद वाली किगर की मॉडिफिकेशन काम टोटली कंप्लीट हो चुका है और भाई लुक देखो राकेश जी कंप्लीट हो चुकी है अपनी पूरी, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो जो काम करवाने के लिए भी आए थे टोटली काम कंप्लीट हो चुका है इसका, ठीक है। तो राकेश जी एक एक करके मॉडिफिकेशन शेयर कर देते हैं। तो भाई ये देखो फ्रंट में जो सबसे फेमस हमारी DRL, सबसे फेमस है जो DRL है ये देख सकते हैं, ये देखो भाई सेल्टोस वाली DRL है, जैसे सेल्टोस में कंपनी से लग के आता है वैसा ही DRL है और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, इसमें पानी जाए जो मर्जी जाए ये खराब नहीं हो सकता, सवाल पैदा ही नहीं हो सकता खराब हो जाए, क्योंकि हम लगाते हैं DRL जो रिले वाला लगाते हैं जिसके अंदर रिले होता है और बिल्कुल परफेक्ट चलता है, कभी खराब नहीं होता है बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, उसके और बाद लेवल ही अलग हो जाता है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ ये जो देख सकते हैं ये जो ग्रिल है इसके अंदर ना जो RXC मॉडल होता है बेस मॉडल होता है उसके अंदर आता है ब्लैक आता है, ठीक है, ब्लैक को हटा करके हमने लगाया क्रोम वाला, बिल्कुल ओरिजिनल रेनॉल्ट का जेन्युइन पार्ट्स है, ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है। साथ में देखिए तीन पीस इधर लगा हुआ है, दो पीस ऊपर लगा हुआ है, एक पीस के अंदर हमने क्या किया है रेड करा भाई, हमने रेड कर दिया लुक के लिए भाई, ये देखो लुक के लिए हमने रेड कर दिया है तो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। तो राकेश जी पेंट है रैप है, ये पेंट है, ये रैप नहीं है, अच्छा पेंट है और बिल्कुल देख सकते हैं गैप टू गैप पेंट में बढ़िया फिनिशिंग देगा, ठीक है बिल्कुल भाई। उसके बाद देख सकते इससे कहते हैं स्माइल क्रोम, अच्छा स्माइल क्रोम, ये स्माइल क्रोम में लगाया गया है, बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है और इसमें जंग कभी नहीं पकड़ेगा, इस चीज का पूरा गारंटी। चलो भाई बढ़िया चीज है। तो फ्रंट से तो गाइस यही कुछ मॉडिफिकेशन है, साइड प्रोफाइल में जाते तो राकेश जी भैया का अगली बार का लोएस का प्लान है, हेडलाइट और ये हेडलाइट अलॉय दो चीज है जो अगली बार भैया आएंगे तो नहीं लेकिन हम भेज देंगे भैया वहाँ पे लगवा लेंगे, क्योंकि भैया का जो पसंद था तो अलग डिजाइन था, क्योंकि उसके लिए एक दो दिन वक्त लगेगा, आएगा हम भेज देंगे यहाँ से ट्रांसपोर्ट में डाल देंगे वहाँ पे भैया फिट करवा लेंगे। चलो तो गाइस बढ़िया चीज है, बाकी भाई लुक ऐसे भी भाई इसमें ना ब्लैकआउट जो कंपनी करके देती है ना वैसे भी लुक बहुत ज्यादा प्यारा लगता है इसका, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रूफ, ये देखो डुअल टोन ब्लैक किया गया है, डबल टोन के अंदर नीचे पूरी ये गाड़ी पूरी व्हाइट थी, ठीक है, ऊपर हाफ गाड़ी ब्लैक कर दिया गया एवरी डेनिसन के टेप से, ठीक है। ये आप 5 साल के बाद 10 साल के बाद इस टेप को हटाते हैं तो इसका गम नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कोई कोई लोकल टेप क्या होता है 1 साल बाद 6 महीने बाद अगर आपको उतारते हैं तो चूरा चूरा बन के निकलता है, ठीक है, वो होता है लोकल टेप। ये जो टेप है 5 साल के बाद भी उतारेंगे तो ये आराम से उतर जाएगा, बिल्कुल, और बॉडी पे गम भी नहीं छोड़ेगा, आपका जो बॉडी का कलर है पेंट है वो पेंट भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। उसका जो साइनिंग है वो कभी डल नहीं पड़ेगा, जैसे साइनिंग अभी है वैसा ही साइनिंग ग्लॉसी में रहने वाला है, ठीक है। डोर वाइजर बिल्कुल डोर वाइजर देख सकते हैं, ये गैलियो का डोर वाइजर लगाया गया, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्रोम है इसमें कभी भी जंग नहीं पकड़ेगा, जैसे हो जाता है पीला वीला हो जाता है रस्ट वगैरह लग जाता है तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो RXC मॉडल होता है उसका जो मिरर होता है उसमें इंडिकेटर दे रखा होता है लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होता, मतलब ऑटो फोल्ड नहीं होता तो हमने क्या किया है दोनों मिरर को चेंज करके रिनॉल्ट का जेन्युइन पार्ट्स है जो टॉप में लग के आता है टॉप वाले हमने इसके अंदर लगा दिया है RXZ वाला लगा दिया RXZ वाला और बिल्कुल सेंट्रल लॉक के साथ अटैचमेंट कर दिया है, जैसे कि आप गाड़ी लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये फोल्ड हो जाएगा और इंडिकेटर यहाँ पे जलेगा, जैसे मैं गाड़ी लॉक करता हूँ आप देखिए इंडिकेटर फोल्ड हो गया।
और अनलॉक पे खुल जाएगा। अब इसको मैं अनलॉक करता हूँ तो ये अपने आप खुल जाएगा। बढ़िया। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे मिरर के अंदर नीचे एक लट्टू सा कुछ लगा हुआ है, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, इंडियन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइगर के अंदर, ठीक है, जो लगा है 360 व्यूज कैमरा लगा। ये देखो भाई 360 डिग्री लग गया, जिसमें चार होता है कैमरा। ये आपको कार को चारों तरफ से दिखाता है, चारों तरफ से दिखाता है, और बिल्कुल जहाँ पे कम जगह होता है पार्क करने के लिए गाड़ी, वहाँ पे भी आप आपको बाहर झांक के नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्टली अपना इंडोर सेटअप है आपका, उसमें आराम से देख करके गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहाँ कंजेस्टेड होता है, ट्रैफिक होता है, तो दोनों तरफ से बिल्कुल देख सकते, दोनों क्या चारों तरफ से आप देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, तो आराम से आप लगा सकते हैं। ये मिरर जैसे अभी मैं गाड़ी अनलॉक करता हूँ, ये मिरर खुल जाता है, अंदर एक बटन भी दे रखे होते हैं हम, उसको आप जैसे ही दबाएंगे चाबी लगा करके, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, इसको आप दबाते हैं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अनलॉक करेंगे तो अपने आप खुल जाएगा। तो सारे फीचर्स ओके रिपोर्ट दिया गया। चलो तो रियर की तरफ चलते हैं कि भाई बैक क्लैडिंग भी दिखा देते हैं। यहाँ पे साथ में क्लैडिंग लगाया गया है, ये टॉप मॉडल में क्लैडिंग लग के आता है। ठीक है, बेस मॉडल में ये क्लैडिंग लग के नहीं आता है। ठीक है, टॉप मॉडल वाला हमने इसके अंदर क्लैडिंग लगा दिया गया है, जिसके ऊपर ये क्रोम लैंडिंग रहने वाला है। ये देखो भाई, क्रोम लैंडिंग वाला रहने वाला है और बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और इसका जो क्रोम का जो है, ये देख सकते हैं क्रोम, इसमें भी रस्ट जंग वगैरह नहीं लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चलो तो गाइस हम ना रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं। रियर में भी काफी मॉडिफिकेशन की गई है, कि आप लोग को बता भाई, नॉर्मल जो हमारी रेनो की घर आती है वो वैसे नहीं दिखती, ये चीज नहीं होता उसमें, यहाँ रेनो नहीं होता, तो यहाँ 360 डिग्री कैमरा नहीं होता, नीचे का पूरा सिल्वर स्किड प्लेट नहीं होता, क्योंकि आरएक्सए मॉडल जो होता है उसका जो बम्पर होता है ना, ये बम्पर जो होता है ये होता है ब्लैक होता है। तो इस बम्पर को हमने क्या किया है, इस बम्पर को हमने स्किड प्लेट लगा करके कर दिया है बिल्कुल सिल्वर। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्किड प्लेट होता है वो सिल्वर ही होता है, गाड़ी का कोई भी कलर हो, लेकिन जो स्किड प्लेट का जो कलर होगा वो होगा सिल्वर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक देख रहे हैं, ये देखो भाई ब्लैक क्लैडिंग देख रहे हैं, डिक्की क्लैडिंग इसे आप बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ए टू जेड रिनोल्ट का ओरिजिनल पार्ट्स है, ये भी रिनोल्ट का ओरिजिनल पार्ट्स है, 0-0 फिटिंग होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइगर का बैजिंग भी लग चुका है और यहाँ पे रिनोल्ट का बैजिंग भी लग चुका है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से फिट कर दिया गया है इसको। अगर ऊपर की बात करें तो एक स्टार का एंटीना लगाया गया है, बिल्कुल भाई, जैसे रूफ का फिनिशिंग है मतलब की ग्लोसी में, वैसे ही स्टार का एंटीना का ग्लोसी में। ठीक है, इसका भी जो कलर है कभी भी डल नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चलो तो गाइस एक्सटीरियर में तो रखी जो यही ओवरऑल मॉडिफिकेशन, एक्सटीरियर के अंदर यही है, जो इंटीरियर के अंदर हमने काम किया है वो बिल्कुल धमाल मचाने के लिए तैयार है, तहलका मच जाएगा, एक नंबर का इंटीरियर। चलो तो गाइस मैं आप लोगों को सीधा इंटीरियर दिखाऊंगा। सो गाइस ये है हमारा D3 हैदराबाद वाली कार का। तो यहाँ पे राकेश भैया फाइनली एलोइस भैया को पसंद आ गया, भैया की जो डिमांड थी सेम वही एलोइस मंगा दिया गया। बिल्कुल, ये भैया का डिमांड यही था जो देख सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल ये जो है देखो डिजाइन, अच्छा हनुमान जी की तरह उठा लिया हमारे राकेश भाई ने, देख सकते ब्लैक एंड रेड के, हाँ जो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया एनहेंस, पूरा इम्पोर्टेड रहने वाला है भाई, रेसिंग वाला है, एक्स2 का रहने वाला है, रेसिंग वाला है, और बिल्कुल आप बीच बीच देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमिंग सेट है, तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। ठीक है भाई, अब ये भैया का मेन था रेड टचअप, क्योंकि भैया ने आगे रेड टचअप करवाया, और ग्रिल में भी रेड टचअप है। अब इसमें जो हम हेडलाइट लगाएंगे वो लगाएंगे टॉप मॉडल वाला, तो दो काम के लिए गाड़ी रुका हुआ था, दो काम कम्प्लीट होने वाला है, कम्प्लीट होगा पूरा चेकआउट किया जाएगा और फिर धमाका क्या हर एक चीज बता दिया जाएगा। चलो तो गाइस ना अब क्या है कि ये पूरा एक बार एलोइज लग जाए, मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ कि नॉर्मल कैसा था। ये देखो कंपनी से ऐसा था बिल्कुल अपना नॉर्मल, ये देखो भाई, तो ये ऐसा कुछ था बेस मॉडल, और भैया को जो एलोइज पसंद आया, अब ये एलोइज लगने के बाद लुक कैसा निकल के आता वो भाई हम लोग चेकआउट करेंगे, और भाई लेवल ही इसका अलग है, तो एक बार लग जान दो पूरा प्रोसेस कंप्लीट, फिर मैं आपको डिटेल। तो गाइस इस वाली किगर की तो मॉडिफिकेशन काम चल ही रहा है हमारी हैदराबाद वाली का, साथ साथ भाई ये देखो किगर पे भाई अल्टीमेट लेवल का प्यार है राकेश जी का। बिल्कुल, ये देख सकते हैं ये तेलंगाना स्टेट से है, हैदराबाद से, और ये अपना दिल्ली से ही है। अच्छा, दिल्ली वाली है, जैसे इसमें इंटीरियर हुआ है इसमें भी इंटीरियर हुआ, ठीक है, इसमें अलॉय नहीं लगा है, इसमें अलॉय लगा है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल हेडलाइट है, इसमें अपना टॉप हेडलाइट लगा है। ठीक है, इसके अंदर ओआरजीएम नहीं है, टॉप मॉडल का, इसके अंदर ओआरजीएम है, मतलब ये पूरा बेस टू टॉप कर दिया गया है। और अंदर से इंटीरियर की बात करें, जैसे इसमें इंटीरियर हुआ वैसे इसके अंदर इंटीरियर हुआ, सेम कलर है। अभी लड़का इस तरह मोड कंट्रोल लगवा रहा है, फिर जैसे इसका एक बार दिखा देते हैं फिर भी दिख जाएगा भाई यहाँ पे, तो ये देखो भाई पूरा कैमल कलर का इंटीरियर है इसके अंदर,
तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो ये देखो भाई पूरा सीट कवर सेम भाई सेम टू सेम से मिला है। इसके अंदर भी K3 लगाया गया भैया, और उसके अंदर भी K3 है, इसके अंदर भी K3 लगाया गया। तो पूरा स्टेयरिंग से लेकर के पूरा सीट कवर तक अल्टीमेट लेवल का काम किया गया, मतलब किगर पे अच्छा खासा प्यार। बिल्कुल बिल्कुल, आप यूट्यूब खोलिए, सॉरी टाइगर मॉडिफाई लिखिए, सबसे पहले मैं ही आपको नजर आऊंगा। मैग्नाइट का आप मॉडिफाई अगर खोलिए तो सबसे पहले मैं ही आऊंगा, सौरभ एंड कस्टम ब्लॉग आएगा सबसे ऊपर, उसी में मिलेगा कार कस्टम अल्टीमेट का वीडियो। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए वीडियो, और पूरा जो जो हमने लगाया पूरा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, फिर आराम से आइए और काम करवाइए। चलो तो गाइस, अब ना एक बार ये कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि बाकी के ये दो रह गए थे, तो वो एलॉयज लगने गए हैं टायर के साथ, और पूरा भाई अलाइनमेंट अलाइनमेंट सब होके उसके बाद लगेगा। तो ये एक बार कंप्लीट हो जाए हमारी हैदराबाद वाली कार, फिर हर एक चीज डिटेल में दिखाते हैं राकेश भैया। बिल्कुल, यहाँ पर नंबर प्लेट हम दिखा है ना, यहाँ पर TS लिखा हुआ तेलंगाना स्टेट। हाँ ये देखो, ठीक है, ये देख लो, अभी पूरा नंबर प्लेट भी भैया के नहीं आया था, तो टेम्पलेट नंबर से ही आ गए थे। तो इधर से जो गाड़ी जाने वाला है ना, वो ट्रांसपोर्ट से जाएगी, और भैया जाएंगे बाय ट्रेन से। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट से जाएगी, कल ये ट्रांसपोर्ट के लिए निकल जाएगी, गुड़गांव से ये बुकिंग हुआ है, तो गुड़गांव से ये निकलेगी, भैया ट्रेन से बाय ट्रेन से निकलेंगे या बाय फ्लाइट से। चलो तो गाइस, अब ना हो जाए कंप्लीट दोनों किगर की मॉडिफिकेशन का, फिर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमारी किगर का कुछ इंटीरियर रहने वाला है, और भाई आप लोग सोचोगे यार ये बेस मॉडल का इंटीरियर नहीं है, बट भाई ये बेस मॉडल का है, जिसको भाई टोटली अपग्रेड कर दिया गया। यहाँ पूरा अपना कैमल कलर हो गया, स्टिचिंग देखो कितनी ज्यादा प्यारी है, यहाँ भाई हमारे ऑटोफोल्ड मिरर के स्विच लग गए, ये पूरा K3 पूरा अपना वेलकम लाइट, और भाई अंदर तो लाजवाब ही है राकेश जी, मजा ही आ गया। ये देख सकते हैं डबल टोन के अंदर है, पीछे की तरफ देखिए पूरा ब्लैक है, आगे तरफ आप देखेंगे तो कैमल कलर है, बिल्कुल कैमल कलर है, पूरा हेड एसी फोम डाला गया है, 40 का हेड एसी फोम है, और पूरा का पूरा कह रहा हूँ मैं 20 mm का फोम है, 10 साल की गारंटी है, जितना मर्जी यूज कर लो वो क्या रिपोर्ट रहेगा, कहीं से हिलेगा भी नहीं सीट कवर, ये पूरा गारंटी है, 10 साल की गारंटी है, 10 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आएगा ना चेंज करके दूंगा पूरा का पूरा। बेहतरीन चीज है भाई, फिट एंड फिनिशिंग देखो यार कितनी ज्यादा प्यारी है, कहीं से एक रिंकल आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई, आप लोग खुद चेकआउट करो इस चीज को, ये देखो भाई लेवल ही अलग है, काम करते तो लाजवाब ही करते। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोल में भी हम लगा कर दिया आमरेस में, ये देख सकते हैं भाई पूरा, ये देख इसमें भी लगा के दिया है, बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। उसके बाद आप देखिए पूरा डैशबोर्ड से लेकर के स्टीयरिंग कवर से लेकर के सब कुछ यहाँ तक देख सकते हैं, पिलर पे भी लगा है, पिलर भी भाई, ये तो ब्लैकआउट आता ही है, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं होता है, पीछे का ब्लैकआउट आता है, आगे का जो कलर होता है वो होता है ऑफ व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट, तो उसको हमने सेम कलर, उसको हमने सीट कवर के साथ पूरा मैच कर दिया है, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग मोन कंट्रोल लगा, सिस्टम लगा 360 व्यूज, ऊपर नीचे यहाँ मैप देख सकते हैं क्रोकोडाइल, लेकिन इसका आज डिजाइन अलग है, ठीक है, ये क्रोकोडाइल के अंदर में ये भी वही डाई वाले फ्लोरिंग है, लेकिन इसका डिजाइन अलग है, थोड़ा सा यूनिक है, बढ़िया है, क्रोकोडाइल भी है, ये भी है, भैया को ये पसंद आया था हमने ये लगा दिया, ठीक है, ऑप्शन काफी, ऑप्शन बहुत है। उसके बाद ये देखिए इस मैट में आप देखते होंगे ट्रांसपेरेंट मैट आता है, उसके अंदर ग्रास नहीं आता, लेकिन ये नया लाया हूँ, उसके अंदर आपको ग्रास भी मिल जाएगा, मट्टी बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, मतलब हर चीज का मजा एक में ही मिलता है, मतलब जैसे आप रखना चाहेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे करना है वैसे मैं करके दूंगा, अरे वाह, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग, ये लाइटिंग देख सकते हैं, जैसे ये K3 लगाया गया इसके, ठीक है, 10 पीस में, जैसे ऊपर जलेगा वैसे ही पैर के पास जलेगा, ठीक है, पीछे वाले जो बैठेंगे उसके भी पैर के पास जलेगा, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक ही जैसा रोशनी रहेगा, ये देखो यही फायदा है इस K3 का, ये देखो भाई पूरा अपना, तो K3 ये नहीं कहीं से कम जल रहा है, कहीं से ज्यादा जल रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट देख रहे हैं, दरवाजा से लेकर के पूरा डैशबोर्ड से लेकर के परफेक्ट जल रहा है, और परफेक्ट तरीका से काम किया गया है, यहाँ पे ट्विटर्स भी लगाया गया है, स्पीकर लगाया गया है F-टायर का, इसमें डैम्पिंग भी किया, डैम्पिंग कराना बहुत जरूरी है, बिल्कुल गाड़ी के अंदर डैम्पिंग कराना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप स्पीकर से लगाते हैं उसका आवाज बढ़िया हो जाता है, उसके बाद आप गाड़ी का दरवाजा जो हैवी हो जाता है और बाहर का नॉइस नहीं आता है, दरवाजा आप बंद करते हैं खट से आवाज आता है, लेकिन हम डैम्पिंग कर देते हैं दरवाजा बंद करते हैं तो आवाज पूरा गायब हो जाता है, और इसका इंजन का नॉइस भी है थोड़ा, तो वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, बिल्कुल आपको फुल मजा आने वाला है, फुल मजा आने वाला, डैम्पिंग करवाइए बढ़िया काम करे, फुल मजा आने वाला है। चलो तो गाइस अब आ जाते हैं हमारा सबसे मेन जो इंडिया फर्स्ट है 360 डिग्री कैमरा, मैं पूरा फंक्शनिंग आप लोग को समझा देता हूँ,
एक चीज और बोल देता हूँ, काफी मेरे भाई सोचेंगे कि उनकी गाड़ी में पहले से एंड्रॉइड लगा है या फिर ये किसी और एंड्रॉइड में चल जाता, तो ऐसा नहीं, स्पेशली 360 के लिए अलग एंड्रॉइड अलग कैमरा यहाँ पे देखिए 360 व्यू लिखा ये देखो भाई देख सकते हैं ना, तो ये 360 के लिए पूरा सेटअप अलग आता है, जैसे कि इसका जो है मेन यूनिट हेड जैसे एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड सिस्टम ये अलग आता है, 360 कैमरा इसी के साथ आता है, ये नहीं आप किसी भी सेट में लगा देंगे, ऐसा नहीं है, जिस जो 360 सपोर्टेड होगा वो इसी में लग सकता है और किसी में नहीं लग सकता। चलो तो गाइस अब ना मैं आप लोग को चेकआउट करके बता दूं 360 कैसा आपका पूरा वर्क करता है। यहाँ मैं जैसे 360 पे क्लिक करूंगा, देखो सबसे पहले हमारा खुल गया बैक का, क्योंकि अभी ये बैक का लगा हुआ है। यहाँ से मेरे को 3D व्यू देखना है, तो ये देखो भाई 3D व्यू हमारी SUV। आप ये कार कोई भी गाइस कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपकी सेडान लगानी कुछ भी लगानी है। ये हमारी SUV में आती है हमारी किगर और ये हमारी मैग्नाइट, तो हम लोग भाई यही कार लगाते हैं और यही रिकमेंड करते हैं। अब ये देख लिया गाइस आप लोग ने पूरा 3D व्यू। अब मैं आपको इसकी फंक्शनिंग समझा देता हूं। ये हो गया भाई हमारा देखो बिल्कुल फ्रंट का, ये ऊपर से भी दिखा रहा है और फ्रंट का भी हो गया। इसको मैं अगेन क्लिक करूंगा तो भाई ये ऊपर वाला व्यू हो जाएगा, अगेन क्लिक करूंगा फिर से सामने, ये वाला क्लिक करूंगा तो गाइस ये हो गया बैक का, वहां हमारी मैग्नाइट का काम चल रहा है, तो वो देखो पीछे पूरा बैक का गाइस आप लोग को दिख जाएगा। ये हो गया हमारा लेफ्ट का, देखो पूरा लेफ्ट का दिखेगा गाड़ी का। ये हो गया हमारा राइट साइड का, इस पर अगेन क्लिक करूंगा तो ऐसे भी खुल जाएगा कि इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ राइट साइड का। और ये देखो भाई इधर इस साइड यहाँ मैग्नाइट का लॉइज है, तो भाई ये ऐसे खुला हुआ है, तो भाई बेहतरीन चीज है। ये देखो दोनों तरफ का व्यू भाई आप लोग देख सकते हो, दोनों गेट्स का व्यूज हो गया, एक गेट खुला हुआ है उसका व्यू ये है, एक गेट बंद है उसका व्यू गाइस ये है। ये देखो ये फ्रंट का व्यू हो गया पूरा हमारा, तीनों कैमरे खुल गया। यहीं से डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारा रियर का व्यू हो गया, तो राकेश जी बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे क्लियरिटी में देखिए, ये हल्का सा भी झिलमिलाहट नजर नहीं आएगा, हल्का सा भी, मतलब कि ऐसा क्लियरिटी रहने वाला है, छोटा छोटा चीज पीछे मच्छर भी नजर आ जाएगा इसके। देखो गाइस हमारी ये मैग्नाइट खड़ी, ये मैग्नाइट खड़ी, हर एक चीज क्लियरिटी है। क्लियरिटी के मामले में आप बोलेंगे तो एक नंबर है, इससे अच्छा कोई, इससे ऊपर कुछ, इससे ऊपर कोई नहीं चीज, तो गाइस मैं भी बोलूंगा यार इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, लेवल ही अलग है। अब ज्यादा वीडियो में भाई लेंथी नहीं बनाएंगे, सीधा भैया और का रिव्यू लेते हैं, भैया हमारे हैदराबाद से आए हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड आफ्टर दिस मॉड वगैरह के, जो भैया और का रिव्यू लिया गया, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो गाइस मैं सीधा भैया और का रिव्यू दिखा दूं आप लोगों को। सो गाइस ये थी हमारी हैदराबाद स्पेशल रेनो किगर और इंडिया की फर्स्ट रेनो किगर जिसमें लगाई 360 डिग्री कैमरा। तो भैया लोग इस कार को ऑन करते हैं और हमारे राकेश भैया के पास है, भैया आपका नाम और यहाँ तक कैसे पहुंचे और आज का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? तो यहाँ वीडियो देख के आए थे आप YouTube पे, तो आज ओवरऑल फीडबैक कैसा है, कैसी मॉडिफिकेशन हुई, क्या सोच के आए थे? जैसे आए थे हो गया पूरा बढ़िया से, कैमल कलर सोचा था, 360 डिग्री सब कुछ बढ़िया से हो गया, मजा आ गया। चलो भैया आप भी बता दो थोड़ा। मेरे को ये 360 वाला पहले तो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मजा आ गया। चलो राकेश जी आपको कुछ कहना है? भैया तो जो भी पहले तो आया था, एक भैया का जो दोस्त दिल्ली में ही रहता है, तो कोटेशन वगैरह ले गए थे, उसके बाद इसमें तो नॉर्मल स्टूडियो का लिखा हुआ था, नॉर्मल कैमरा लिखा था, लेकिन भैया यहाँ पर आए और भैया को बताइए चाहिए ऐसे होता, ये चाहिए ऐसे होता, तो भैया सब कुछ जो बोले सब लगवाया, बिल्कुल भैया को काम पसंद आया पूरा। भैया एक चीज कहूँगा, विश्वास से इतना दूर चाहिए हैदराबाद 1600 किलोमीटर उधर से, 1600 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 30,000 के लमसम, 20-30,000 के लमसम पेट्रोल लगे, बिल्कुल। ये फाइनल डे है जिस दिन हम इस किगर को भाई अलविदा कहेंगे और भाई ये टोटली कंप्लीट हो चुकी है और भाई हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो गया। राकेश जी आप हैदराबाद जाने के लिए पूरी तैयार? बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, पार्किंग में खड़ा था, अब इसको पूरा क्लीन करके अब गाड़ी को हम ट्रांसपोर्ट के जरिए विदा करेंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट से जाएगा तेलंगाना स्टेट हैदराबाद। और दो चीज के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो भैया रुक गए थे, दो चीज के लिए, तो दो चीज, पहले तो ये हेडलाइट आप देख सकते हैं, ये टॉप मॉडल लग गया, तीन लेंस वाला ये हेडलाइट है, नॉर्मली में वो दो खाने का होता है, एक आईल होता है, लो बीम होता है, और इसमें तीन खाने वाला है प्योर वर्जन वाला जो देख सकते हैं, इनबिल्ट एलईडी वाला है, ठीक है। उसके बाद हेडलाइट भी लग चुका है और साइड में अगर आइएगा तो एलॉय भी लग चुका है, अलॉय भी लग चुका है, पूरा कम्प्लीटली सेटअप ओके हो चुका है, गाड़ी हो चुका है बिल्कुल कम्प्लीट, ए से लेकर के जेड तक काम पूरा कम्प्लीटली हो चुका है, जो टॉप मॉडल में आता है ना, टॉप मॉडल से भी ज्यादा, बिल्कुल टॉप मॉडल से भी अपर कर दिया गया है, हर एक 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 चीज लगा करके टोटली अपर कर दिया गया, पूरा काम कम्प्लीट है और सब कुछ आपने को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को काम पसंद आएगा तो आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारा शॉप है पदम सिंह रोड पे, करोलवाला पदम सिंह रोड पे, जो रहने वाला कार कस्टम अल्टीमेट,
पहले मेरा दुकान था कार कस्टम के नाम से, लेकिन अब है कार कस्टम अल्टीमेट। अल्टीमेट का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अल्टीमेट पे अल्टीमेट लेवल का काम होता है। और जरूर आइए, ए से लेकर के जेड तक काम करवाइए, बेस से टॉप करवाइए, बिल्कुल बढ़िया डिस्काउंट में आपका काम होगा। और जरूर ध्यान रखें, पदम सिंह रोड पे है, पहले था अब्दुल अजीज रोड पे, लेकिन अब है पदम सिंह रोड पे। और 3 सेटर वाली दुकान है, 1 सेटर वाली दुकान नहीं है। अब बहुत बढ़िया काम होगा, आइए हमेशा फोन पे आप मेरे से आप अपना कोटेशन ले सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। चलो भाई, बढ़िया चीज है। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर। आप लोग भी प्लान कर रहे हैं रेनो कीगर का या मैग्नाइट का या किसी भी कार की मॉडिफिकेशन का, डू कॉन्टेक्ट कार कस्टम अल्टीमेट, किंग ऑफ ऑल कार मॉडिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।